कुछ जानकारी, क्या चल रहा है फिलहाल चर्चा के दौरान? जी, जिस तरह से छत्तीसगढ़ विधानसभा का ये विशेष सत्र आरक्षण के मसले पर बुलाया गया है, और एक तरह से बड़ी खबर ये भी है कि इन दिनों नेताओं के बीच एक तरह से जंग भी छिड़ी हुई है, या यूं कहें कि जुबानी जंग एक तरह से यहां पर छिड़ी हुई है। हालांकि जो फर्स्ट हाफ था सत्र के आज दूसरे दिन का, उस दौरान नौबत हाथापाई तक भी पहुंच गई थी, लेकिन इसके बाद अब दौर चुनौतियों का शुरू हो गया है, क्योंकि भानु प्रतापपुर उपचुनाव जो है वो 5 तारीख को है, और ऐसे में दिग्गजों की साख दांव पर लगी है, कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, और खासकर उनकी जो इस वक्त चुनाव की कमान संभाल रहे हैं, बीजेपी से ब्रजमोहन अग्रवाल और कांग्रेस से कवासी लखमा। कवासी लखमा ने सदन से यह ऐलान किया है कि अगर 8 दिसंबर को, जो कि मतगणना का दिन है, उस दौरान नतीजे जो है वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं आते हैं तो वो सदन में नहीं आएंगे। तो एक तरह से चुनौती, बड़ी चुनौती उन्होंने सदन से ब्रजमोहन अग्रवाल को दी है, और ये चुनौती इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि एक तरह से वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कांग्रेस की जीत को लेकर, क्योंकि अभी जिस तरह से धुआंधार प्रचार चल रहा है और एक तरह से तमाम दिग्गज जो नेता है, खुद मुख्यमंत्री रोड शो कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में एक तरह से ये कोशिश कांग्रेस की है कि वहां जीत हासिल की जाए, तो विपक्ष भी अपना दांव खेल रही है। देखा ये होगा कि जीत किसकी हासिल होती है, लेकिन इतना जरूर है कि इन तमाम चीजों के बाद अब जो स्थिति देखने को मिल रही है कि एक दूसरे पर वार पलटवार तो चल ही रहा है, साथ ही साथ चुनौतियां भी दी जा रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका देवव्रत इस पूरी जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा की हम चर्चा कर रहे थे, जहां पर लगातार आरक्षण संशोधन विधेयक पर जानकारी दी जा रही है कि चर्चा चल रही है, लेकिन रमन सिंह ने बड़ी बात कह दी कि सामान्य परिस्थिति में नहीं लाया जा रहा विधेयक। आपको बता दें कि विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है, आरक्षण संशोधन विधेयक पर लगातार चर्चा हो रही है। सदन में पूर्व सीएम रमन सिंह का एक बयान सामने आया है, विधेयक सामान्य परिस्थिति में नहीं लाया जा रहा, आरक्षण कम होने से सर्व आदिवासी समाज नाराज है, भानु प्रतापपुर उपचुनाव के मद्देनजर ही विधेयक लाया गया है, आरक्षण कम होने का सबसे ज्यादा नुकसान अनुसूचित जनजाति वर्ग को हुआ है और आरक्षण के लिए हमको दोषी बोलते हैं, हमने 32% करके क्या गलती की, 2011 में 32% जनजाति आरक्षण लाने का निर्णय लिया जो जनजातीय परिषद के अनुसार था।